आतिफ, मेरा नाम इब्राहिम है और आतिफ का मैं चचा लगता हूँ। देखिए, हमारी देश की जो तहजीब है, हमारे देश का जो कल्चर है, कि हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते आए हैं और मल्टी कल्चरल कंट्री है हमारा, और हमेशा से हम लोग स्टेशन पे नमाज़ पढ़ते आए हैं और हमारे हिंदू भाई पूजा करते आए हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों पे नमाज़ पढ़ते आए हैं, पूजा करते आए हैं, कि जो है उसको पॉलिटिसाइज किया जाए या उसको उसको मुद्दा बनाया जाए। खैर, कुछ लोग जो बना रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग फर्जी भी पढ़ने पहुँचे हैं और सुना 18 सेकंड में पढ़ के चले गए हैं, उसके बाद फिर उन्हीं लोगों के कुछ किसी ने बवाल भी किया है। तो देखिए, ये हमारे मतलब देश का कल्चर नहीं है। और ख़ुद मैं अभी कल योगी जी की स्पीच सुन रहा था तो बड़ी मुनासिब बात लगी, और उन्होंने सख्त कहा कि जो है ऐसा जो कर रहे हैं वो, और जो उन बच्चों ने किया है अगर गलत किया है तो बहरहाल कोर्ट में मसला है, वो आ जाएगा। लेकिन ये हमारे देश में तो ये हमेशा से हमारे देश की तहजीब यही मल्टी कल्चरल कहा ही जाता है। एक क्यारी है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, सब एक साथ रहते हैं, किसी की खुशबू से किसी को परेशानी नहीं होती। ये तो हमारे देश की मतलब तहजीब है, तो इसमें मेरे ख्याल से लोगों को भी आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आप ही लोगों के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 1 लाख लोग आते हैं वहाँ पे, कम से कम 30,000 गाड़ियों की पार्किंग है जो फुल रहती है, 3 लोग एक गाड़ी में रहते होंगे कम से कम, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। अगर 1 लाख लोग रोज़ाना 1,000 रुपये की भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या इतनी खरीदारी हो रही है वहाँ पे। लुलू मॉल खाली शॉपिंग मॉल नहीं है, वो एक घूमने की भी जगह है और खुला है। अभी हम लोगों को याद है जब छोटे थे सहारागंज खुला था घूमने जाते थे, उस टाइम ये नफरतें नहीं थी, उस टाइम भी कभी नमाज की जरूरत पड़ती थी हम देखते थे। तो मुझे एक मरतबा साफ चादर दी है हिंदू भाई ने कि भाई आप उस पर नमाज ना पढ़िए, मेरे पास नई चादर है, आप उस पर नमाज पढ़िए। ये हमारे देश की तहजीब है, ये इस पर इंटेंशन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। ये तो जो कर रहे हैं वो भी जानते हैं। हमारी नमाज पढ़ने पर अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ये उसका मसला है, मेरा तो मसला नहीं है। ये आपको उससे सवाल होना चाहिए, मुझे बुरा नहीं लगता है। आप फैसला करेंगे और जो हमारे व्यूअर हैं वो फैसला करेंगे, और सब दिल से जानते हैं कि किसका इंटेंशन क्या था। और जब मैटर विवेचनाधिकारी के पास है उसके बाद कोर्ट में बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा।